हेलो फ्रेंड्स, सोनू कुमार रीजनिंग एंड जीके क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज का क्लास है जो रीजनिंग का होगा। रीजनिंग में जो हम पढ़ाने वाले हैं वह जबरदस्त टॉपिक होगा। हम ट्रिक ऐसा देंगे जिसे आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। वो टॉपिक है क्लॉक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्लेन मिरर, समतल दर्पण पर आधारित घड़ी से संबंधित प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन आगे करते हैं। जैसे कोई पूछेगा यदि वास्तविक समय यदि वास्तविक समय 10:19 हो रहा है तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा। वास्तविक समय 10:19 हो रहा है तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा। एक ट्रिक है, जैसे 12 बजे, ठीक 12 बज रहा है, ठीक 12 को लिख सकते हैं 11:07। वास्तविक समय कुछ है कितना, 10:19, तो 10:19 को घटा देना। क्या हो जाएगा 1:41, मैंने वास्तविक समय है 10:19 और प्रतिबिंबित समय पूछ रहा है 10:19 हुआ है, इससे 12 को लिख दिए हैं 11:07 को घटा दिए हैं 10:19, तो कितना आया आंसर 1:41। अगर कोई पूछ देगा यदि वास्तविक समय 9:45 हो रहा है तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा, तो इसको भी घटा देना है 11:07, तो क्या हो जाएगा 2:15। ठीक है, अब चलिए अगला। अगला बनाइए क्वेश्चन। अगर वास्तविक समय 2:30 हो रहा है तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा। ठीक है, 12 से ज्यादा नहीं है, यहाँ वास्तविक समय है 2:20, तो प्रतिबिंबित समय पूछ रहा है, तो 11:07 से घटा देना है 2:20, क्या हो जाएगा 40। दो बीस घटाना है तो क्या बच जाएगा 9:40। अगला पूछ देगा
वास्तविक समय 12:20 हो रहा है तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा? 12:20 है, 11 सबसे ज्यादा है तो इसे घटा देना है 23:60। टोटल कितना 24 घंटा का होता है और हम इसे 23:60 लिखेंगे तो 12:20 को घटा देना है तो प्रतिबिंबित समय का मान निकल जाएगा। क्या निकला? 11:40 प्रतिबिंबित समय होगा। अगर वास्तविक समय 8:45 हो रहा है तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा? आठ बजकर 45 तो 11:60 से घटा देना, क्या हो जाएगा? 3:15 प्रतिबिंबित समय हो जाएगा। ठीक है, टाइप या वन था। अगला चलते हैं प्रतिबिंबित समय। प्रतिबिंबित समय और जैसे प्रतिबिंबित समय हो रहा है 8:20 ठीक, तो पूछ देगा वास्तविक समय। क्वेश्चन ऐसा दे सकता है, यदि प्रतिबिंबित समय 8:20 हो रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंबित समय कितना है? 8:20, तो वास्तविक समय पूछ रहा है तो इसे घटा देना है 17:90। इसका ट्रिक है 17:90 से घटा देना है 8:20, क्या हो जाएगा? 9:60 को हम लिख सकते हैं कितना? 10 बजेगा। अगर प्रतिबिंबित समय 10:20 हो रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा? तो इसे घटा देना है 17:90 से घटा देना 10:20, ठीक है, इसे लिख सकते हैं कितना? 8:10। कितना होगा? 8:10। 7:70 को लिख सकते हैं 8:10। 60 में होता है 1 घंटा। अगर प्रतिबिंबित समय पूछ देगा 10:45 ठीक, मतलब यदि प्रतिबिंब का समय 10:45 हो रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब समय क्या होगा? इसे भी घटा देना 17:90 से घटा देना कितना में? 10:45। क्या हो जाएगा? 7:45। अगर प्रतिबिंबित समय 4:45 दिया होगा तो वास्तविक समय निकालना तो 17:90 से घटा देना
13:45 का मतलब क्या हो जाएगा, 2:45। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है। अगर प्रतिबिंबित समय 12:00 है तो वास्तविक समय क्या होगा, तो इसको भी 17:90 से घटा देना, क्या हो जाएगा, हो जाएगा 5:90। 90 मिनट को हम कर सकते हैं 60 मिनट में, 1 घंटा होता है, तो 6:30 क्या होगा, 6:30। अगर पूछ देगा प्रतिबिंबित समय 6:00 तो वास्तविक समय क्या होगा, 6:00 तो वास्तविक समय क्या होगा, क्या होगा, 17:90 से घटा देना है। हो जाएगा इसका 12:30। 12:30। अगर प्रतिबिंबित समय 6:45 हो रहा हो तो वास्तविक समय क्या होगा, 17:90 से घटा देना है, 6:45 क्या हो जाएगा, 11:45। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो अच्छा ही लगा होगा। अब अगले क्लास में चलेंगे, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगले वीडियो में मिलते हैं।